समाज के कार्य में और देश की सेवा में जाति पाति नहीं देखनी चाहिए। जाति देख करके अपनाओगे, नहीं अपनाओगे तो आप राष्ट्र का काम नहीं कर सकते। जाति पाति वर्ण आदि देखना जरूरी होता है विवाह वगैरह में, उसमें लोग नहीं देख रहे, जिसमें देखना चाहिए। विवाह आदि में वर्ण वगैरह देख करके विवाह करते हैं, ठीक है, उसमें देखने की आवश्यकता है। लेकिन जब समाज की सेवा के लिए आप संगठन बनाओ, राष्ट्र की सेवा के लिए जब आप संगठन बनाओ, समितियां बनाओ, तब उसमें तो जिसके हृदय में राष्ट्र भक्ति है उसकी शक्ति को राष्ट्र की सेवा में हमें जोड़ देना चाहिए, लगा देना चाहिए। कोई भी हो, भगवान का रात्रि विश्राम हुआ है, रात्रि में गुहराज को लक्ष्मण जी ने दिव्य ज्ञान उपदेश किया है और अब प्रातः काल में जब भगवान उठे, गंगा तट पर गए, राम जी जटा बना रहे थे और जटा बनाते हुए राम को देखा, अयोध्या के मुख्यमंत्री सुमंत जी ने राम जी को अयोध्या लौटने के लिए बहुत कहा, पिताजी क्या क्या है? राम जी ने कहा कि यह आज्ञा पिताजी ने मोह पूर्वक दी है, विचार पूर्वक नहीं। बड़ों की आज्ञा का पालन बिना विचार किए करना चाहिए, लेकिन तब कि जब बड़े विचार पूर्वक आज्ञा करें, लेकिन यह आज्ञा विचार पूर्वक नहीं है। जब आज्ञा करने वाला विचार शून्य हो गया है ऐसा पता हो तो फिर पालन करने वाले को विचार पूर्वक पालन करना चाहिए। यह आज्ञा विचार पूर्वक नहीं। सुमंत जी रोए, किस तरह रोए? गोस्वामी जी बोले, दीन बाल जिमी रोए। एक गरीब बच्चा जैसे पुकारता है, रोता है, इस तरह सुमंत जी रोए। सुमंत जी के आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, इन्हीं आंसुओं के फल स्वरूप सुमंत जी जब अयोध्या जाएंगे तो भरत जी मिलेंगे। इन्हीं आंसुओं के फल स्वरूप भरत जी सबको लेकर के चित्रकूट जाएंगे। इन्हीं आंसुओं के फल स्वरूप 14 वर्ष के बाद राम जी अयोध्या लौटेंगे, राम राज्य होगा। लेकिन सुमंत जी विलंब से रोए, विलंब से रोए। इसीलिए भगवान ने कहा कि आपको लौटना पड़ेगा। सुमंत जी ने राम को अयोध्या ले जाने की कोशिश की, भगवान को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अवतारों की तूफानी गति होती है, उसको रोकने का प्रयास न करें। जितना बन सके हमें अवतारों के कार्यों में शामिल हो जाना चाहिए। कोई महान व्यक्ति महान कार्य करता है तो हमसे जितना बन जाए उतना हमें उसमें लगना चाहिए, उतना हम उसमें सहभागी बने। एक अद्भुत काम हो रहा हो, एक श्रेष्ठ काम समाज में हो रहा हो, धर्म कार्य हो रहा हो, तो हमसे जितना बन सके हमें उसमें सहायता करनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो ये प्रयास तो कभी नहीं करना चाहिए कि कार्य ही न करो। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, छोड़ो ये गलत। इस प्रकार कार्य में रुकावट डालने की कोशिश न करें। जब धर्म कार्य हो रहा हो, जब लोक कल्याण का काम हो रहा हो, यदि कोई करता है तो अपने से जितना हो पाए उतना सहायता करो। नहीं बन पाता आपसे कुछ तो आप उससे अलिप्त रहो, लेकिन वो कार्य ही न हो इसके लिए बिल्कुल प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपराध है। ईश्वरीय कार्य की गति में अवरोध न करें। सुमंत जी अवरोधक बने हैं, जो भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
और इससे भगवान ने सुमंत जी को रथ में बैठा दिए और कहा कि आप जाइए, सुमंत जाना नहीं चाहते। तो भगवान ने क्या किया, बरे बस राम सुमंत पजाए, बरे बस राम सुमंत पजाए, सुर सरी तीर आप चली आए, सुर सरी तीर आप चली सुमंत पठाए। भगवान ने सुमंत जी को जबरदस्ती रथ में बिठाया। सुमंत लौटना नहीं चाहते थे बिना राम को लिए, तो भगवान ने बरबस राम सुमंत पठाए, जबरदस्ती की। भगवान ने वनवासियों से कहा होगा कि इसको उठा के रथ में बिठा दो। बरबस तो यही समझेंगे, जैसे कोई कोई नहीं मानता, कोई नहीं जाता, तो फिर उसको पकड़ के उठा के धक्का लगा के पता नहीं क्या किया हो। गोस्वामी जी ने बरबस रखा कि बरबस राम सुमंत, जबरदस्ती बिठाया। सुमंत जी बहुत कुछ कह रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, रो रहे होंगे, लेकिन मानो कान ही नहीं है। सुर सरी तीर आप चली आए, सुर सरी तीर आप चली आए। भगवान चले गए गंगा तट की ओर, सुमंत जी के आवाज की ओर भगवान ने कोई ध्यान नहीं दिया। सुर सरी तीर आप चले आए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। सुमंत रो रहे हैं या क्या कर रहे हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखा भगवान ने, क्योंकि ये मोह की पकड़ थी। सुमंत जी मोहवश राम को ले जाना चाहते थे। महाराज दशरथ जी ने मोहवश राम को वापस ले आने की आज्ञा दी थी, और मोह की पकड़ से अवतार बच के रहता है। ये प्रेम की पकड़ नहीं थी, ये पकड़ कोई मीरा वाली नहीं थी, ये नरसिंह मेहता वाली पकड़ नहीं थी, ये पकड़ मोह वाली थी। और मोह की पकड़ से अवतार बहुत जल्दी दूर हो जाता है। जैसे सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे व्यास जी, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, घर चलो घर चलो, पीछे पीछे दौड़ रहे थे। सुखदेव जी ने एक बार पीछे मुड़ के नहीं देखा था। उसी प्रकार यहाँ राम जी ने भी, सुमंत चिल्ला रहे लेकिन भगवान ने एक बार पीछे मुड़ के सुमंत की ओर नहीं देखा, क्योंकि ये मोह की पकड़ थी। संतों को, महान विभूतियों को मोह और प्रेम के भेद का पता हो। कौन मोहवश उनको बुलाता है और कौन प्रेमवश उसको देखता है, उसको पता हो, तो वो प्रेम को मानते हैं। लेकिन जो मोहवश उनको बुलाते हैं, तो अवतार उनकी आवाज की ओर ध्यान ही नहीं देता, बहरा हो जाता है, बिल्कुल बहरा हो जाता है, पता ही नहीं कि कोई बुलाता है। बरबस राम सुमंत बठाए, भगवान कहते हैं तुम सुनो जो मैं कहता हूँ, सुमंत आपको सुनना है, आपकी हम नहीं सुनेंगे, मेरी तुम सुनो, तुम हमारी नहीं सुनोगे, क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो कर्तव्य की बात है और तुम जो कह रहे हो ये मोह की बात है। हम तो कर्तव्य के लिए जा रहे हैं। भगवान गंगा तट की ओर चले गए और राम जी को गंगा के उस पार जाना है। एक नाविक अपनी नाव को लेकर के गंगा तट पर खड़ा है
और केवट से भगवान नाव मांगते हैं। ये प्रसंग ऐसा है जिसमें भगवान जैसा बोलता है वैसा भक्त बोलता है, और जो भक्त को बोलना चाहे वो सब भगवान बोलते हैं। भक्त हमेशा भगवान को कहता है ना, मुझे पार लगा दो भगवान, मेरी नैया उस पार, मुझे पार कर दो। आज भगवान कहते हैं मुझे पार कर दो। और जब भक्त कहता है भगवान को मुझे पार कर दो, तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं तुम्हारा मन गंदा है, तुम्हारा आचरण गंदा है, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, तब तक हम पार नहीं करते। आज भगवान कहते हैं मुझे पार कर दो, तो केवट क्या कहता है? वो कहता है आपके चरण में कोई चमत्कार है, आपकी चरण धूली में कोई चमत्कार है, बिना उसको धोए हम आपको पार नहीं करेंगे। मांगी नाव मानुष करे नी मुरी कछु कहे, मानुष करे नी मुरी कछु कहे, सुवच शिला भैनारी, सुवच शिला भैनारी सुवा से मांगते हैं। मांगी नावन केवट आना, भगवान मांगते हैं, क्योंकि केवट भगवान के राजा रूप का उपासक है। केवट रहता है झोपड़ी में, लेकिन केवट की छोटी सी कुटिया में छोटा सा मंदिर घर में बना हुआ है, लेकिन उसमें भगवान का जो स्वरूप है वो स्वरूप है राजा राम का स्वरूप उसमें स्थापित है। केवट उपासक है राजा रूप का। उपासना में भक्त अपने मन की स्थिति के अनुसार स्वरूप की उपासना करता है। कुछ लोग खुद को
माता पिता समझते हैं, भगवान को बच्चा समझकर वात्सल्य भाव से बचते हैं, ये भी भक्ति है। कुछ लोग उस सखा भाव से भगवान को बचते हैं कि भगवान उसका मित्र है, वो खुद भगवान का मित्र है। कुछ लोग भगवान को अपना माता पिता समझते हैं और खुद को भगवान की संतान समझ करके उपासना करते हैं, और वो कहेंगे तुम ही मेरे माता, तुम्हें वो माता पिता तुम ही, वो माता पिता मानते हैं, खुद को बच्चा समझेंगे तो शिकायत भी भगवान के पास करेंगे जाकर के। कुछ चाहिए तो भगवान से मांगेंगे, जैसे बच्चा जिद करता है वैसे भगवान से, क्योंकि वो भगवान को माता पिता समझता है। ये भी एक तरीका है उपासना का। लेकिन केवट क्या मानता है? केवट भगवान को राजाधिराज समझता है और खुद को भगवान का सेवक समझता है। केवट का भगवान राजा है, वो राजा राम का भक्त है, और इसलिए आज राम जब साधु वेश में केवट के सामने गंगा तट पर है, प्रणाम करने में केवट को कोई एतराज नहीं है, लेकिन भक्त की अपनी एक जीद होती है, वो तो भगवान को जिस रंग में देखना चाहता है उस रंग का श्रृंगार भगवान के ऊपर वो चढ़ाता है, वो जिस रंग में देखना चाहता है। केवट शरीर छूटे इसके पहले, मृत्यु के पहले भगवान को राजा के रूप में इन आंखों से देखना चाहता है। हाँ, केवट अपनी भीतरी आंखों से तो अपने भगवान को राजा ही समझता है, लेकिन इन आंखों से वो राम को राज सिंहासन पर देखना चाहता है, राम का राजा रूप देखना चाहता है। ये केवट की जिद है। भगवान के राजा रूप की उपासना करते 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 केवट की चित्त वृत्ति तदाकार बनी है, और इसलिए भगवान उससे मांगते हैं, क्योंकि राजा से जो मांगो मिले, तो भगवान केवट को राजा समझ रहे हैं कि राजा रूप की उपासना करते करते केवट विचार से समृद्ध हो गया है, ज्ञान से समृद्ध हुआ है, वैराग से विवेक से केवट समृद्ध हो गया, और इतना समृद्ध कि खुद भगवान मांगते हैं कि तुम राजा हो केवट। इसलिए मांगे नाम न केवट आना। केवट को प्रसन्न होना चाहिए, आज भगवान मेरी नाव में बैठना चाहते, केवट नाचे, लेकिन केवट प्रसन्न नहीं हो रहा। और केवट जब भगवान को बिठाना नहीं चाहता तो भगवान को दूसरी नाव में निकल जाना चाहिए, दूसरी नाव से चले जाना चाहिए। न तो केवट इस बात पर खुश है कि आज भगवान मेरी नाव को पसंद कर रहे हैं, और न तो भगवान दूसरी नाव में जाना चाहते, और किसी की नाव से जाने का भगवान विचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि गंगा तट के जितने भी नाविक थे उन सभी ने अपनी अपनी नाव को सजाया था, किसी ने रंगों से किसी ने फूलों से अपनी अपनी नाव को सजाया, शायद भगवान मेरी नाव में बैठे, शायद भगवान को मेरी नाव पसंद आ जाए। तो नावों को सजाने की प्रतियोगिता बन गई थी, कंपटीशन बन गई थी उस दिन गंगा तट पर, कि जिसकी नाव अधिक सुंदर होगी भगवान उसकी नाव में बैठना पसंद करेंगे। सबने अपनी अपनी नाव को सजाया, एक केवट था जिसने नाव सजाई नहीं थी। केवट जानता है कि यदि मैंने नाव को सजाया, भगवान को मेरी नाव पसंद आ गई, भगवान मेरी नाव में आ गए, तो फिर भक्तों से भगवान को दूर करने में हम निमित्त बनेंगे, मुझे ये पाप नहीं करना, इससे तो भगवान हमको छोड़कर दूर ही जाएंगे।
जिसकी नाव में राम जी बैठेंगे उसकी नाव वनवासियों से भगवान को, भक्तों से भगवान को दूर करने में निमित्त बनेगी। मुझे ये काम नहीं करना, इसलिए केवट रात पर दुखी रहा, रोता रहा। जिसने अपने नाव 10 बजे सजाए वो 11 बजे सो गए, जिसने अपनी नाव 11 बजे सजा ली वो 12 बजे सो गए हो गए। लेकिन केवट रात भर सोया नहीं, भगवान जानते हैं इसने जागरण किया है। केवट ने जागरण किया है, भक्ति में जागरण की बड़ी महिमा। भक्त जागरण करे, भक्त सावधान रहे, जागरण मतलब जागरूक रहे, भक्त सावधान रहे। केवट रात भर जागृत रहा, रात भर रोता रहा, इसलिए भगवान ने देखा कुछ लोगों ने नाव फूलों से सजाई, कुछ लोगों ने रंगों से सजाई, लेकिन केवट ने अपनी नाव आंसुओं से सजाई है, इसलिए भगवान को जाना है तो केवट की नाव से जाना है। और केवट भगवान के नाव मांगने पर केवट प्रसन्न नहीं हो रखा। केवट शर्त रखता है तब भी भगवान दूसरी के नाव से जाने का विचार भी नहीं करेंगे, क्योंकि जाना है तो इसी नाव से जाना है। क्योंकि जिस साधकों में ज्ञान भक्ति वैराग जब तीनों परिपूर्ण हो जाता है वो ही जगत के जीवों का उद्धारक बनता है, वो ही तारक बनता है। बताना ये चाहते राम जी, केवट में गुरुत्व जागृत हो गया है, और जिसमें गुरुत्व होता है वो ही उद्धारक होता है, वो ही पार लगाता है। कुछ लोगों में ज्ञान की अधिकता होती है, प्रेम कम होता है। कुछ लोगों में भाव की अधिकता होती है लेकिन विवेक कम होता है। कुछ लोगों में वैराग की अधिकता होती है लेकिन उसमें प्रेम कम होता है। लेकिन जिसमें गुरुत्व होता है उसमें ज्ञान भक्ति वैराग तीनों का समन्वय होता है, जो केवट में है। केवट गुरु है, केवट परिपक्व है, और जो परिपक्व होता है, जो पहुंचा हुआ सदगुरु होता है, वो जल्दी नहीं अपनाता, लेकिन एक बार अपनाता है तो फिर वो पार करके छोड़ता है, बीच में उतरने नहीं देता। बीच में छोड़ेगा नहीं, बीच में डूबने नहीं देगा, बीच में उतरने नहीं देगा। पूरी तरह से कुछ समय तक गुरु अपने शिष्य को परतंत्र कर देता है, उनकी सारी स्वतंत्रता को छीन लेता है। देखिए इस दुनिया में प्रत्येक जीवात्मा अकेली आई है ना, सब स्वतंत्र रूप से आए, और जब जाएंगे तब स्वतंत्र रूप से जाएंगे। उज्जैन जाने में आप कह सकते हैं कि हम टीम के साथ जाएंगे, 10-20 लोग टीम में जाएंगे। कई यात्रा में जाना है तो आप कहोगे कि हम सामूहिक रूप से जाएंगे, हम टीम में जाएंगे। लेकिन ऊपर जाने में तो नहीं कह सकते कि हम साथ पूरा परिवार साथ में जाए, पूरी टीम साथ में जाए, मित्र मंडली सहित हम एक साथ जाए, कम से कम पत्नी पति दोनों साथ जाए। ऊपर जाने में तो ऐसा नहीं कह सकते कोई कि हम सामूहिक रूप से जाएंगे। परमात्मा ने जीवात्मा को स्वतंत्र रूप से भेजा है। जब दुनिया से जाते हैं हर जीवात्मा स्वतंत्र रूप से ही जाते हैं, अकेले अकेले ही जाते हैं। और इसलिए ये भी तय है कि इस दुनिया में
स्वतंत्रता पूर्वक रहने का प्रत्येक जीवात्मा का अपना अधिकार है, क्योंकि ये भगवान ने दी है स्वतंत्रता। स्वतंत्र ही भेजा है आपको, तो फिर स्वतंत्र रहने का अधिकार, स्वतंत्रता सबका अधिकार है। फिर भी जब तक हमारी वृत्तियां कमजोर है, जब तक हमारी वृत्तियां संसार से सुख ढूंढने की कोशिश करती है जिसमें है ही नहीं, जिसमें है ही नहीं, समुद्र के पानी को लोटे में लेकर के मंथन करके आपको माखन निकालना है क्या? है ही नहीं। जब हमारी वृत्ति इतनी कमजोर है कि हम संसार के लोगों से, संसार की वस्तु से, संसार की पदार्थों से हम सुख ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं, इतनी कमजोर वृत्तियां जब तक हमारी है तो दुनिया में कहीं पर भी हमारी वृत्तियां भटक जाने की संभावना है, चिपक जाने की संभावना है। और ऐसी कमजोर वृत्ति जिसकी है उसको भले ही भगवान ने स्वतंत्र रूप से भेजा हो, लेकिन जब तक हमारी वृत्ति कमजोर है, मन कमजोर है, तब तक हमें स्वैच्छिक रूप से किसी सदगुरु की शरण में जाकर के परतंत्रता का स्वीकार कर लेना चाहिए, उनकी आज्ञा के अनुसार हमें रहना है, बस अपनी मर्जी से परतंत्रता मान लो, स्वीकार लो, पराधीनता स्वीकार लो कि हमें वही करना है जो मेरे गुरु की आज्ञा हो, आदेश के पहले हमें कुछ नहीं करना है। इस प्रकार खुद को बांधो, क्योंकि वृत्तियां आपकी व्यभिचारी है, मन विलासी है, वो आपको कहीं भी भटका दे और किस कुएं में ले जाएंगे उसका अंदाजा नहीं लगा पाओगे। तो इस तब तक हमें अपने स्वतंत्रता का अधिकार छोड़ करके हमें सदगुरु की शरणागति स्वीकार लेनी चाहिए, और फिर सदगुरु आपके मन को निर्विकार बना देंगे और आपकी वृत्तियों को रामाकार, कृष्णाकार, ब्रह्माकार, तदाकार जब बना देंगे, और उसके बाद सदगुरु स्वयं आपका एक अलग अस्तित्व बना करके कहेंगे कि अब तुम भी तुम्हारी दुनिया में उड़ो, तुम्हारे आकाश में उड़ो, अब गिरोगे नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारे हमारे विलासी मन को निर्विकार कर दिया, हमारी व्यभिचारी वृत्तियों को ब्रह्माकार कर दिया, हमको आत्मशासित कर दिया, और उसके बाद वो आपको छोड़ दे तो भी आप आत्मा के अनुशासन में रहोगे, धर्म ग्रंथों की आज्ञा में रहो, फिर बिगड़ने की कोई संभावना नहीं होती। इसलिए व्यभिचारी वृत्ति और विलासी मन पर नियंत्रण करने के लिए दुनिया में कोई केवट चाहिए हमारे पास, कोई सदगुरु चाहिए, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करे पावा। मानुष शरीर जब मिला हो तो उसमें हमें ये उपाय कर लेना चाहिए, तो हम केवट को समझने में, गुरु को पहचानने में हमारी गलती ना हो जाए। इसलिए ये प्रसंग यहाँ पर रखा कि गुरुत्व ऐसा होता है जो परिपक्व है, केवट को कोई परवाह नहीं है कि राम मेरी नाव से जाए या किसी दूसरे नाव से चले जाए, कोई परवाह नहीं है। गुरु ऐसा होता है कि उसको परवाह नहीं होती किसी की, लेकिन शिष्यत्व ऐसा होना चाहिए कि फिर गुरु परवाह करे न करे, लेकिन हमें तो पार लगना है तो इन्हीं चरणों के आश्रय से लगना है, वो भले ही हमारी परवाह न करे, वो भले ही हमें न पूछे कुछ, वो भले ही हमारी ओर दृष्टि भी ना करे, लेकिन हमें तो पार लगना है तो इन्हीं चरणों के नाम से लगना है। इस प्रकार शिष्य भी निष्ठावान होना चाहिए और गुरु मस्त होना चाहिए, उन्हें तो किसी की परवाह नहीं। यहाँ केवट का रूप गुरु का, और केवट गंगा तट पर आए हुए इस जीवराम को राजा बनाना चाहते हैं। जो
क्योंकि समर्थ की शरण में जो जाता है वो राजा बनता ही है। समर्थ गुरु का यही लक्ष्य होता है कि जिसको मैंने अपनाया, जो मेरी शरण में आया, तो फिर मैं उसको सम्राट बना के रखूंगा। समर्थ गुरु हमेशा अपने आश्रित को राजा बना देता है, समृद्ध बना देता है, कोई कमी नहीं रहने देता उसके जीवन में, ऐसा सम्राट बना देता है। लेकिन गुरु की शर्त क्या है? कुछ क्षणों के लिए यहाँ राम जी को शिष्य समझ लो और केवट को एक पहुंचा हुआ गुरु समझ लो। एक पहुंचे हुए गुरु की शरण में जगत का कोई जीवराम आया है, कोई शिष्य आया है, तो फिर पहुंचा हुआ गुरु क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि जब तक तुम्हारा आचरण शुद्ध नहीं होता तब तक हम नहीं अपनाएंगे, और जब तक हम नहीं अपनाते तब तक तुम पार नहीं हो सकते। तुम्हारे आचरण को धोए बिना अगर कोई साधु, कोई संत, कोई गुरु तुम्हें पार कर सकता हो तो तुम जाओ, मुझे कोई नहीं आपत्ति। चाहे जिस नाव से तुम्हें पार जाना हो तुम जा सकते हो। यदि मेरी नाव से जाना है, यदि मेरे आश्रय से तुम्हें बहु पार पहुंचना है, तो फिर मेरी शर्त तो कल भी यही थी, आज भी यही रहेगी और हमेशा यही रहेगी कि जब तक आचरण शुद्ध नहीं होगा तब तक हम किसी को पार नहीं करेंगे। हमारे पास तो वो ही लोग सफल होते हैं जो दूर जाके भी आज्ञा से विमुख नहीं होता, वो ही पार होता। ये बात है केवट के, क्योंकि केवट की शरण में आया उसको केवट राजा बनाना चाहते हैं। छुवत सिलाब सिला भई नारी सुहाई, पाहल तीर काट कठिनाई, पाहल तीर काट कठिनाई, पाहल तीर काट कठिनाई, पाहल तीर मांगी ना बन सदगुरु के रूप में केवट का कहना यह है कि मुझे मालूम है जब लोग मेरी शरण आते हैं तब ये कहते हैं कि आपका आश्रय करके हमें बहु पार जाना है, बस हमें बहु सागर पार करना है। लेकिन जब कोई सिद्ध, कोई समर्थ गुरु आपको अपनाते हैं ना, तो उसके बाद आपके अंदर भौतिक इच्छाएं प्रकट होने लगती है। बाद में लोग गुरु से भी यही चाहते हैं कि पहले मुझे इतना सुख दे दो, इतना धन दे दो, ऐसा आशीर्वाद दे दो, मैं धनी हो जाऊं, मैं मालामाल हो जाऊं। बाद में बात बदल जाती। जब गुरु के पास जाते हैं हम, तब तो भगवान के लिए ही जाते हैं। हमें भगवान चाहिए, बस हमें बहु पार करना है, हमें बहु पार कर दो, इसलिए जाते। लेकिन जब कोई सिद्ध, कोई महात्मा, कोई सदगुरु आपको अपनावे और जब आपको यह पता चले कि ये तो असंभव संभव कर सकता है, तो उसके बाद तो आप उनसे यही कहोगे कि बस एक बार ये कृपा कर दो कि ये चुनाव हम जीत जाए, हम परीक्षा में पास हो जाए, हमारी तबीयत ठीक हो जाए। बिना मेहनत किए हमारे पास लाखों करोड़ों रुपये हो जाए, पहले इतना कर दो, बाद में हम भक्ति करेंगे। जब पता चलता कि ये सिद्ध है तो बाद में हम भगवान की बात छोड़ करके दूसरी बात बीच में, मतलब कि ऐसी इच्छाएं प्रकट हो जाए कि यहाँ नारी जाति, नारीवाचक शब्द है, चुवत शिला भई नारी सुहाई,
नारी कौन सी नारी? इच्छा रूपी नारी, भौतिकता की इच्छा रूपी नारी, संसार सुख की इच्छा रूपी नारी। पहले तो हम ये कहते हैं कि हमें पर भगवान चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गुरु सिद्ध है ये पता चलते ही हमारी बात बदल जाती है और बीच में नारी प्रकट हो जाती है। संसार सुख की इच्छा है फिर बीच में आ जाती है, तो गुरु कहेंगे कि हम तो तुम तो कहते थे कि भगवान का दर्शन करना है, तो फिर आप कहोगे वो तो करना है ना, बाद में कर लेंगे, तो काफी टाइम है, बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले हमारा काम धंधा ठीक ठाक कर दो, हमारा व्यवसाय ठीक ठाक कर दो, हम पास हो जाए, हमारे बच्चे पास हो जाए, ये सब पहले कर दो, बस हमारी तबीयत ठीक हो, ये सब पहले कर दो, भगवान तो टाइम रहेगा तो देखे, बात बदल जाती है। इसीलिए केवट का कहना ये है, मेरी नाव से पार जाना है तो ये बात समझ लो कि मैं आचरण शुद्ध करता हूँ तुम्हारा, मैं चरण को धोऊंगा, मैं आचरण धोऊंगा, मैं इस प्रकार तुम्हारे मन में जो गड़बड़ है उसको मिटा के रहूंगा, उसके बाद ही तुम पार हो सकते हो। यदि तुम्हें पहले भोग और बाद में भगवान चाहिए तो दूसरी नाव से चले जाओ, क्योंकि मैं वो गुरु हूं जो पहले भगवान और बाद में भोग प्रदान करता, मैं वो गुरु नहीं हूं कि पहले भोग के लिए आशीर्वाद दूं और बाद में भगवान की बात करूं, ये नहीं हूं मैं, पहले भगवान मैं उनके नए हूं कि जो पहले भगवान और बाद में सब कुछ, जिसको मंजूर हो वो ही केवट की नाव से जा सकते हैं, जिसको पहले भोग बाद में भगवान उसके लिए केवट नहीं है, उसके लिए समर्थ गुरु नहीं है। इसलिए तुम्हारे मन में गहराई में भी जो इच्छाएं पड़ी है संसार की, सुख की, भोगों की, मैं उसको धो के रहूंगा, पहले मैं चरण धोऊंगा, पहले मैं आचरण शुद्धि करूंगा, तब पार करूंगा। अब राम जी ने ये भी नहीं पूछा, राम जी ये पूछते कि तुम हमारे आचरण को कैसे धोओगे, हमारे आचरण को आप कैसे धोओगे? तो गुरु कहेंगे, केवट कहेगा कि वो तो देखने के बाद पता चलेगा मेल कितना है, वो तो जैसा मेल, यदि मेल नहीं है तो फिर बस ऐसे ही पानी में करके धो लेंगे, यदि मेल ज्यादा है तो साबुन भी लगाएंगे, उससे भी मेल ज्यादा है तो फिर ऊंचा कर करके नीचे पटकाना भी पड़ेगा। तब तो केवल हाथ से न धो करके मशीन से भी धोना पड़ेगा, धोके से धोना पड़ेगा, ये तो देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन केवट समर्थ गुरु है और समर्थ गुरु की बात यह है कि पहले मैं तुम्हें जो दिखा दूं उसको देख लो, और उसको देखने के बाद अभी तुम ये सोच लो कि मुझे पहले भगवान और बाद में भोग चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हें पहुँचा के रहूँगा, और जब तुम्हें पहले भगवान मिल जाएंगे तो तुम खुद ही सम्राटों के सम्राट बन जाओगे, तो तुम्हें किसी भोग की इच्छा ही नहीं। एक बार अमृत पी लोगे तो तुम छाछ की इच्छा ही छोड़ दोगे, मैं वो दिखा दूंगा, उसके बाद तुम्हें भौतिकता की इच्छा ही नहीं रहेगी। ऐसा एक समर्थ गुरु है केवट। तो केवट ने भगवान को स्पष्ट कह दिया कि और कोई उपाय नहीं है, जो प्रभु अवसी पारेगा, जो प्रभु अवसी पारेगा, मोहि पद पद्म मांगे नावर के,
बात पर गुहराज केवट को इशारा करता होगा, लक्ष्मण जी इशारा कर रहे होंगे कि केवट ये कौन है तुझे पता है? ये अयोध्या के राजकुमार है। मौका है तुम्हारे लिए, आज इनकी मान लो, ये जैसे कहे वैसे इनको बिठा लो, इसको पार कर दो तो भविष्य में बड़े लाभ हो जाएंगे तुम्हें, क्योंकि बाद में तुम इसी फोटो को साथ लेकर के उसके सामने जाओगे कि देखो उस टाइम मैंने आपको बिठाया था, आप मेरी नाव में बैठे थे, मैं चला रहा था, और उस दिन आप साधु के वेश में थे, आपकी जेब में कुछ नहीं था और मैंने किराया भी नहीं लिया था, आपको मुफ्त पार कर दिया था। इसी बात पर तुम अयोध्या के महल में जा सकते हो भविष्य में, और बड़े बड़े लाभ जीवन पर्यंत लेते रहोगे इतनी सी बात पर। मौका है केवट, ये राजकुमार है अयोध्या, और आज इनकी मान करके तुमने इसको पार कर दिया तो फिर भविष्य में तुझे बहुत कुछ मिलेगा, बहुत बड़े बड़े भौतिक लाभ प्राप्त हो जाएंगे भविष्य में। इस पर केवट का कहना यह है कि अभी तक भगवत कृपा से, गुरु कृपा से मुझे जो प्राप्ति जीवन में हो गई है वो प्राप्ति ऐसी है कि अभी इससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। अब ये राजा भी बनेगा तो मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं पा चुका हूँ, मुझे जो पाना था मैं पा चुका हूँ। धनवान तरसते जिस धन को, उससे भी बढ़कर पाया है। गुरुदेव के चरणों में हमने जिस दिन से शीश झुकाया है, तो धनवान तरसते जिस धन को, उससे भी बढ़कर पा लिया है। अब इससे आगे कुछ है ही नहीं, जो जो मैंने पा लिया जीवन में वो उतना है कि अब उससे बढ़कर जगत में कुछ है नहीं, इससे आगे कुछ है नहीं, ये मुझे क्या दे सकता। केवट को कोई परवाह नहीं, इसी को गुरु कहते हैं। गुरुत्व प्रभावित नहीं होता कभी, जो शिष्य के वैभव से, शिष्य के धन दौलत से, शिष्य की सत्तादि से जो प्रभावित हो जाता है, वो गुरु शिष्यों के जीवन को प्रकाशवान नहीं कर सकता। गुरु प्रभावित होता ही नहीं, केवट को कोई प्रभाव नहीं है इस बात का कि आज मैं इनकी मान लूं, इनकी कमजोरियों के साथ में इसको पार कर दूं तो भविष्य में मुझे लाभ होगा, क्योंकि केवट ने तो लाभ जो लेना था ले लिया है जीवन में, अब इससे आगे कुछ है ही नहीं। जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर को, ऐसो आनंद नाई अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, ऐसो भगवान ने कहा केवट को कि केवट तुम्हें जो करना करो, चरण धोना धो ले, बेगियान जल पाए पखारो, हो तो विलंब उतार ही पारो। शिष्यत्व ऐसा होना चाहिए जो राम जी कहते हैं, बेगियान जल पाए पखारो। यदि आपको मेरे आचरण में, मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरे गुरु को
कोई मेल दिखता है, दाग दिखता है, कपट दिखता है, तो गुरु का पूरा अधिकार है उसको जैसे इसको धोना है धो ले, जैसे धोना धो। जन्म जन्म का मेल चढ़ा है, धोबी मिला फकीर, धर्म घाट भर ले पटकारिया, और ना ये निर्मल नीर, माई में तो बन गया फकीर, जब ढूंढा अपना शरीर। जब समर्थ मिल गया है तो अब शिष्य को भी शरणागत होने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। राम जी समर्पित शिष्य के रूप में पेश है। अब केवट कहता है कि 108 डुबकी लगा लो तब भी राम जी तैयार, 151 डुबकी लगा लो तब भी तैयार, क्योंकि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सदगुरु के हाथों में। अब उनको मेल दिखता है तो वो सफाई कर दे, दाग दिखता है तो उनको जैसे धोना हो धो ले, लेकिन शिष्य समर्पित तो होना चाहिए, पकड़ में तो रहना चाहिए। राम जी केवट के प्रति ऐसे समर्पित हैं कि केवट को जैसे जो करना करे, बस दूसरी नाव से नहीं जाएंगे, हमें जाना है तो इसी नाव से जाना है, पहुंचना है तो किसी पहुंचे हुए महापुरुष के द्वारा ही पहुंचना है, किसी अधूरे को तो पकड़ना ही नहीं हमें, क्योंकि किसी अधूरा होगा तो वो हमारी हर बात मानेगा लेकिन खुद भी डूबेगा, हमको लेकर डूबेगा, वो हमको पहुंचा नहीं सकता। लेकिन सिद्ध गुरु हमारी बात माने न माने, हमें उनकी बात माननी होगी, लेकिन वो पार जरूर कर देगा, जरूर करेगा। तो राम जी पूरी तरह केवट के सामने समर्पित है, और केवट ने अपनी निर्भयता भी प्रकट कर दी कि लक्ष्मण जी को मारना हो तो मारे, जनु तीर मारे लखन पे, जब लगिन पाए पकारे हाँ। यदि लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है तो वो मारे, मरने से मैं नहीं डरता हूं, क्योंकि यह शरीर अनेकों बार काल ने चबाया है, करोड़ों बार काल ने यह देह को चबाया है, एक बार और काल चबा ले हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब तक तुम्हारे समर्पण में कमी है हम तुम्हें नहीं अपनाएंगे। शिष्य गुरु को अपनावे, उसके सालों बाद, बहुत लंबे समय बाद गुरु शिष्य को अपनाए, ये क्रिया एक साथ नहीं बनती कि जिस दिन शिष्य ने गुरु को अपनाया उसी दिन गुरु ने शिष्य को अपनाया, ये क्रिया एक साथ नहीं बनती। जब हम किसी महापुरुष को मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, पर जब तक हमारे समर्पण में सच्चाई नहीं है, जब तक हम अहंकार धोने के लिए उनके पास नहीं गए, अहंकार ही धूल है जो मन पर लगी, जो शिष्यों के मन पर लगी है, और जब तक हम अहंकार रूपी धूल को धुलवाना नहीं चाहते, उसको मिटाना नहीं चाहते, तब तक हम शिष्य नहीं है। गुरु ने नहीं माना हमको, हमने उनको गुरु माना। गुरु तो उस दिन हमको शिष्य मानते हैं कि जिस दिन सदगुरु की सनिधि में हम अपने मन पर जमी अहंकार की धूल को मिटाना चाहेंगे। कलयुग में अधिकांश लोग साधु संतों के पास भी अहंकार मिटाने नहीं जाते, अहंकार बढ़ाने जाते हैं। उसको तो दुनिया को दिखाना है कि देखो हम इतने निकट बैठ सकते हैं, हम इतने इतने पास खड़े रहकर फोटो खिंचवा सकते हैं, हम इतने नजदीक। लोग अहंकार बनाने जाते हैं, अहंकार बढ़ाने जाते हैं, दुलाने के लिए नहीं जाते लोग, मिटाने नहीं जाते लोग, बहुत कम लोग।
और जब गुरु उसके अहंकार को पुष्ट नहीं करेंगे तब ऐसे लोग जाना आना बंद कर देते, क्योंकि वो तो इसीलिए जाते हैं दुनिया को दिखाने के। दुनिया को दिखाना है कि हम इतने निकट हैं, या फिर ये दिखाना है कि हमारी हर बात मानते हैं गुरु, देखो मेरी हर बात मानते हैं। और जब ऐसे में वो 5-25 लोगों के साथ जाएं और गुरु उनकी बात न माने, उनका अहंकार जब संतुष्ट नहीं होता तो ऐसे में शिष्य को इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लग जाता है, वो मन ही मन कहने लगता है कि आपकी मुझे जरूरत नहीं, दुनिया में बहुत संत साधु संत हैं, हम किसी दूसरे को गुरु बना लेंगे, जो मेरी बात माने, जो मेरी माने हम तो उसी को गुरु बना लेंगे, आपकी क्या जरूरत। तो उसके बाद वो जाना आना कम कर देते हैं और धीरे धीरे जाना आना बंद कर देते हैं और फिर कोई आज्ञांकित गुरु ढूंढ लेते हैं। ऐसे लोग आज्ञांकित गुरु ढूंढते हैं जो उसकी हर बात माने और उसके अहंकार को पुष्ट किया करे। केवट ऐसे लोगों के लिए नहीं है और केवट को कोई ऐतराज भी नहीं है, जिसको जहां जाना हो जाए, मेरी नाव से जाना है और मेरे द्वारा ही जिसको बहु सागर पार करना है, तो ये शर्त हमेशा के लिए है। और यदि समर्थ की शरणागति में आपकी सच्चाई है, अब सच्चाई से शरणागत है समर्थ की शरण में, तो फिर आपके लिए भव सागर नहीं रहेगा, भव नदी बन जाएगा, भव गंगा बन जाएगा। अब भव सागर नहीं है, भव गंगा है। दूसरी बात ये भी है कि गंगा पार करने के लिए भी राम जी को तैरना आता हो नहीं आता हो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि गुरु के चरण नाव बन जाएंगे पार करने के लिए। शिष्य गुरु के चरण का ध्यान करता रहेगा और सदगुरु शिष्य के आचरण की सफाई करते रहेंगे। शिष्य गुरु के चरणों को वर्ष में एक बार, शायद गुरु पूर्णिमा के दिन वर्ष में एक बार धोता है शिष्य गुरु के चरण को, लेकिन गुरु शिष्यों के चरण को 24 घंटे धोता रहता है। गुरु निरंतर चरण धोता दिखता है ऐसा कि शिष्य चरण धो रहा है, वास्तव में गुरु धोता है शिष्य के आचरण को। राम की शरणागति में सच्चाई है। केवट ने कह दिया है, जिसको पहले भगवान बाद में भोग चाहिए उसका गुरु हूँ मैं। मैं उन लोगों का गुरु नहीं हूँ जिसको अपने बुद्धू बच्चों को भी पास करवाना है चमत्कार से, मैं उसका शिष्य नहीं हूँ कि जो संयमित नहीं रहता और फिर भी स्वस्थ रहना चाहता है और गुरु से कहता है चमत्कार कर दो, मेरी तबीयत ठीक कर दो। मैं उनका गुरु नहीं हूँ जिसको बेईमानी से धन कमाना है और दुनिया में फिर धनी कहलाना है और वो चोरी करे पाप करे फिर भी मैं ऐसा चमत्कार कर दूं किसी को पता ना चले, वो गुरु मैं नहीं हूँ। मैं वो गुरु हूँ जिसको पहले भगवान बाद में भोग चाहिए, पहले भगवान चाहिए, जिसको बहु सागर पार करना है, क्योंकि मैं केवल और केवल भगवान ही देखता हूँ और भगवान ही दिखाता हूँ, जो देखता हूँ वो दिखाता हूँ। गुरु की अपनी नजर जहाँ टिकी हुई होगी वही चीज चेले को दिखाएंगे, गुरु की दृष्टि पैसों में टिकी हुई होगी तो पैसे दिखाएंगे, गुरु की दृष्टि प्रसिद्धि में टिकी होगी तो प्रसिद्धि दिखाएंगे, और गुरु की दृष्टि प्रभु में टिकी है तो वो प्रभु ही दिखाए और क्या दिखाए। और राम जी को कोई ऐतराज नहीं है। केवट की बात यह भी है कि आप राजकुमार हैं और राजा होने का, राजकुमार होने का आपका अहंकार, लेकिन मैं तुम्हें अपना मान सकता हूँ, राजा नहीं मानूंगा जब तक तुम अपने विकारों पर जीत हासिल नहीं करोगे तब तक मैं राजा नहीं मानूंगा तुम्हें, मैं राजकुमार नहीं मानूंगा।
और इसका तो मैं कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि मैं राजकुमार हूँ फिर भी मेरा सत्कार नहीं होता, मेरा सम्मान नहीं होता। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं राजा बना करके तुम्हारा सत्कार जरूर करूंगा। मैं बनाऊंगा राजा, मेरे बताए मार्ग पर चलकर तुम राजा ही बनोगे और उसके बाद दुनिया में सबसे पहले तुम्हारा सम्मान करने वाला मैं ही होगा, मैं ही होगा। लेकिन कमजोरियों के साथ तुम ये चाहो कि मुझे कोई राजा माने तो मैं नहीं मानू। राम जी को सब मंजूर है, सारी शर्त यही चरण धोने की बात है। ये सब दोना है, ये इन वृत्तियों को दोना है, मन के ऊपर लगे अहंकार की धूल को धोना है, यही धोना है। राम जी सच्चे और समर्पित शिष्य के रूप में केवट के सामने पेश है। बेगी आनु जल कहते केवट को बहुत विलंब, मुझे विलंब हो रहा है। अब राम जी को विलंब क्या हो रहा है, अब 14 वर्ष वन वन रहना, क्या किसी को समय दे रखा है भगवान ने कि मैं इतने बजे यहाँ पहुंचूंगा? किसी को समय तो दे नहीं रखा, पर भगवान कह रहे हैं मुझे विलंब हो रहा है। बस ये है, एक श्रेष्ठ शिष्यत्व अपने सदगुरु से कहता है कि आपको जो परीक्षा करनी हो करो, मेरे मन की जैसी सफाई करनी हो करो, मेरी जितनी कसौटी करनी हो करो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। आप मुझे जल्दी अपना लो, मुझे जल्दी पहुँचा दो, क्योंकि 84 लाख योनि में भटक भटक कर ये जीवात्मा थकी हुई है, इसलिए जल्दी हो रहे। अब और एक जन्म भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, अब इसी जन्म में राम जी को विलंब हो रहा है। राम जल्दी के लिए कह रहे हैं, इसी बात की जल्दी है राम कि अब और भटकाव नहीं होना चाहिए। बहुत भटक लिया जन्म मृत्यु में, अब मुझे नहीं भटकना है। अब भटकाव से मैं इतना थका हुआ हूं कि अब मुझे आपके अपनाने मात्र से विश्राम हो जाएगा, मुझे जल्दी अपना लाओ। सदगुरु के अपनाने मात्र से शिष्य को विश्राम होगा। केवट कहता है कि राम जी कहते कि अब विलंब न करो, बेगियानु जल पाय पखारो। राम कहते हैं जैसी करनी हो परीक्षा करो, गुरु परीक्षा करे, इससे शिष्य को डरना नहीं चाहिए। शिष्य कभी ये ना सोचे कि गुरु परीक्षा न करे, क्योंकि परीक्षा से ही आपकी कक्षा बदलती है। परीक्षा के बिना कक्षा नहीं बदलते। यदि आपको परीक्षा देना अच्छा नहीं लगता तो मत दो, क्या होगा, उसी में रहोगे, पांचवे में पढ़ते पांचवे में पांच में रह जाओगे, साल भर स्कूल जाओगे लेकिन एग्जाम नहीं, परीक्षा ही नहीं देनी है, तब तो फिर 10 साल तक जाओगे तब भी रहोगे तो उसी में। कक्षा बदलती है, कक्षा बनती है, भूमिका बनती है, जीवन श्रेष्ठ होता है, ये सब परीक्षा के बाद ही होता है। इसलिए गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा हो, ये शिष्य के लिए बहुत शुभ होता है। और गुरु तब तक परीक्षा नहीं करेंगे जब तक उन्होंने आपको अपनाया नहीं है, तब तक नहीं करेंगे।